Students, in this part second of polynomial, I am going to discuss about zeros of the polynomial and its geometrical meaning. Previous part में भी मैंने आपको zeros के बारे में थोड़ा से बात की थी. If value of polynomial at any real like x equal k becomes zero, then k is said to be the zeros of the polynomial. यानी वो real number जिस पर किसी polynomial की value zero हो जाती है वो उस polynomial का zeros होता है. ठीक है ना. अब जैसे मान लीजिए हम एक function polynomial ले लें, linear polynomial ax plus b है. Px equal ax plus b and a and b are reals and a not equal to 0. A not equal to 0 and a comma b belonging to 0. Now let x equal minus b by a be any point, then value of polynomial px equal ax plus b at x equal minus b by a. अब आइए रखा है एक्स की जगह माइनस बी बाई ए, यहाँ पे भी एक्स की जगह माइनस बी बाई ए प्लस प्लस माइनस माइनस ए से ए कैंसिल आउट, यानी माइनस बी प्लस बी माइनस बी प्लस बी कैंसिल आउट जीरो. अब देखिए वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गई, जीरो हो गई. कहाँ पे जीरो हुई, एक्स की वैल्यू माइनस बी बाई ए पे. तो x की जिस वैल्यू पे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए वो क्या होगा, उस पॉलिनोमियल का जीरोस होगा. सो माइनस बी बाई ए इज द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल ax प्लस बी. तो यहाँ पे ये बात आपको ध्यान देनी चाहिए कि जब किसी x की किसी वैल्यू पर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाती है तो x की वह वैल्यू उस पॉलिनोमियल का जीरोस कहलाती है. अब दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लीजिए. किसी भी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n के एट द मोस्ट n जीरोस हो सकते हैं. एट द मोस्ट यानी अधिक से अधिक. अगर जैसे लीनियर पॉलिनोमियल का अधिक से अधिक एक जीरोस होगा, उसका जीरोस जो होंगे वो सिर्फ एक. फिर आ जाइए क्वाड्रेटिक यानी डिग्री टू. पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, टू होगी. उसके एट द मोस्ट टू जीरोस होंगे, अधिक से अधिक दो जीरोस, यानी दो ऐसे रियल नंबर होंगे. अधिक से अधिक दो ऐसे रियल नंबर संभव हैं जिस पर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो सके, दो से अधिक नहीं हो सकते. अब क्या एक भी हो सकता है? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है. एक रियल नंबर जिस पे कि पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो रही है वो भी क्वाड्रेटिक का जीरोस कहलाता है. इस केस में दोनों जीरोस सेम हो जाते हैं,
तो इसीलिए हमें एक ही वैल्यू मिलती है, एक्स की एक ही ऐसी वैल्यू जनरेट होती है जिस पे पॉलीनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाती है। इसका मतलब वो क्या है, वो एक्स की दोनों सेम वैल्यूज है। कभी कभी क्या होता है, कुछ पॉलीनोमियल्स के जीरो एग्जिस्ट होते ही नहीं है, सेकंड डिग्री के पॉलीनोमियल के जीरोस एग्जिस्ट ही नहीं होते, यानी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के जीरोस ही नहीं होते, ऐसा भी पॉसिबल है। उस केस में कोई भी ऐसा रियल नंबर नहीं होता है, कोई भी ऐसा रियल नंबर नहीं होता है जिस पर पॉलीनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए। उस केस में जीरोज कितने हो गए, जीरो, कोई भी जीरोज नहीं आया। अब इसको मैं ज्योमेट्रिकली आपको समझाता हूं। पहले हम लीनियर पे बात करें, जीरोज क्या होते हैं, एक्स की वह वैल्यू जिस पर पॉलीनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए। अब अगर हम पॉलीनोमियल को, पॉलीनोमियल पी एक्स को वाई से डिनोट करें, पॉलीनोमियल पी एक्स को हम वाई से डिनोट करें, तो एक्स की वह वैल्यू जिस पे वाई की वैल्यू जीरो हो जाए वो क्या होगी, हाँ, जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है, एक्स की वैल्यू किसी वैल्यू पे वाई की वैल्यू जीरो कहाँ पे होती है, अगर हम कोऑर्डिनेट प्लेन की बात करें, एग्जैक्टली एक्स एक्सिस पे होती है। एक्स एक्सिस एक ऐसा एक्सिस होता है जहां पे वाई की वैल्यू जीरो होती है, यानी किसी भी पॉलीनोमियल का हम अगर ग्राफ खींचे, कोऑर्डिनेट प्लेन पे ग्राफ खींचे, तो ग्राफ एक्स एक्सिस को जिन जिन पॉइंट्स पे काटेगा वहां पे एक्स की जो जो वैल्यूज आएंगी वही सब जीरोस उस पॉलीनोमियल के होंगे। जब हम कोऑर्डिनेट प्लेन पे किसी पॉलीनोमियल का ग्राफ खींचते हैं, ग्राफ उस कोऑर्डिनेट प्लेन में एक्स एक्सिस को जहां जहां इंटरसेक्ट करता है उन जगह पे जो एक्स की वैल्यूज है वो उस पॉलीनोमियल का जीरोस कहलाएगी। अब जैसे हम मान लीजिए एक ले लें पॉलीनोमियल 2x plus 3, अब ग्राफ के लिए हम दो तीन पॉइंट बना लें। कैसे बनाते हैं, हम यहाँ पे x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, करस्पॉन्डेंस में y की वैल्यूज आएंगी हमारे पास। अब जैसे हमने x की वैल्यू -2 लिया, तो एट x इक्वल -2 y की वैल्यू क्या होगी, 2 into -2 plus 3, यानी -4 plus 3, यानी -1, y की वैल्यू -1। फिर हमने 0 लिया, x की वैल्यू 0, एट एक्स इक्वल 0 वाई की वैल्यू क्या हो गई, 2 into 0 plus 3, ये 0 हो गया, क्या रिजल्ट आया, 3। अब हमने +2 ले लिया, एट एक्स इक्वल +2 वाई की वैल्यू क्या हो गई, 2 into 2 plus 3, 2 2 4 और 3 7। अब हमने कोऑर्डिनेट प्लेन बनाया, एक्स वाई प्लेन बनाया, मैं एक अप्रोक्सीमेटली पॉइंट प्लॉट कर रहा हूं, आप लोग इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो आपको सही रिजल्ट एकदम मिल जाएगा। मैं अप्रोक्सीमेटली पॉइंट प्लॉट कर रहा हूं, जैसे -1 एक्स की वैल्यू -1 पे, -2 पे वाई की वैल्यू -1 मिल रही है, हम x की वैल्यू -2 यहाँ पे मान ले रहे हैं, y की वैल्यू -1 यहाँ मान ले रहे हैं। फिर x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 3 मिल रही है,
यानी पॉइंट कुछ यहाँ पे आ जाएगा 3, और 2 पे 7 मिल रही है। 2 यानी जितनी डिफरेंस यहाँ ली है उतना ही डिफरेंस यहाँ ले लेते हैं, 2 पे 7 वैल्यू मिल रही है, हम 7 ले लेते हैं। अब इसका हमने ग्राफ खींचा, मैंने इसका ग्राफ खींचा है, ये क्या है, ये y इक्वल 2x प्लस 7 का ग्राफ है, 2x प्लस 3 का ग्राफ है। अब ये तीन पॉइंट आए, एक पॉइंट आया x की वैल्यू -2 पे, y की वैल्यू -1, दूसरा पॉइंट आया x की वैल्यू 0 पे, y की वैल्यू 3 जो कि यहाँ पे है 0 पे 3, और तीसरा पॉइंट आया x की वैल्यू 2 पे, y की वैल्यू 7। अब आप देखिए ग्राफ x एक्सिस को इस पॉइंट पे कट कर रहा है, ग्राफ x एक्सिस को इस पॉइंट पे कट कर रहा है, और यही पॉइंट जो है ये इसका जीरोस है। अब मान लीजिए ये पॉइंट k,0 है, k,0 ये पॉइंट है, सो k0 लाइज ऑन द लाइन y इक्वल 2x प्लस 3। इसका मतलब क्या है, इस लाइन पे ये पॉइंट है, इसका मतलब x की वैल्यू k रखेंगे तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो 0 इक्वल 2k प्लस 3, 2k इक्वल -3, k इक्वल -3/2। तो ये पॉइंट क्या आया, ये पॉइंट आया -3/2,0, और x की जिस वैल्यू पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो गई, वह वैल्यू उस पॉलिनोमियल का जीरोस होगी। तो लीनियर में, लीनियर पॉलिनोमियल का सिर्फ और सिर्फ एक जीरोस होता है, लीनियर पॉलिनोमियल का एक जीरोस होता है, ना एक से अधिक ना एक से कम, क्लियर। अब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में बात करते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम यूजुअली y इक्वल ax² + bx + c से डिनोट करते हैं, ये क्वाड्रेटिक है। अब यहाँ पे कंडीशन अप्लाई है, a 0 नहीं हो सकता है, ए बी सी सभी रियल नंबर है, बी और सी 0 हो सकते हैं लेकिन ए 0 नहीं हो सकता है। अब ध्यान रखिएगा इसका ग्राफ जो है, ठीक है, ए पे डिपेंड करता है, इफ ए इज ग्रेटर देन 0 देन ग्राफ ऑफ y इक्वल ax² + bx + c इज लाइक दिस शेप, ये शेप होता है ग्राफ का, यानी वर्टिकली अपवर्ड ग्राफ होता है, यू शेप होता है, वर्टिकली अपवर्ड यू शेप होता है। और इफ a इज लेस देन 0 देन ग्राफ ऑफ y इक्वल ax² + bx + c इज डाउनवर्ड होता है, डाउनवर्ड के तरह होता है, इस तरह का होता है ग्राफ इसका। अगर a की वैल्यू निगेटिव है यानी x² का मल्टीपल निगेटिव है तो उसका ग्राफ डाउनवर्ड आएगा, ठीक है, और अगर x² का मल्टीपल पॉजिटिव है तो उसका ग्राफ अपवर्ड आएगा। इसे हम अपवर्ड पैराबोला बोलते हैं, इसे डाउनवर्ड पैराबोला बोलते हैं, क्लियर। अब यहाँ पे तीन बातें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, हम कैसे जानेंगे कि ग्राफ जो है वो कितने जीरोस दे रहा है। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, ग्राफ x एक्सिस को जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा
उतने ही जीरोज हैं। अगर ग्राफ एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो दो जीरोज होंगे। अगर ग्राफ एक ही पॉइंट पे टच करता है सिर्फ एक्स एक्सिस को, इंटरसेक्ट नहीं करता, टच करता है, तो दो को इंसिडेंट पॉइंट होंगे, यानी दो सेम वैल्यूज होंगी। जीरोज तो दो ही होंगे लेकिन वो दोनों सेम जीरोज होंगे। और अगर मान लीजिए ग्राफ एक्स एक्सिस को टच भी नहीं करता है, ये अपवर्ड पैराबोला ऊपर से निकल जाता है एक्स एक्सिस के और डाउनवर्ड पैराबोला एक्स एक्सिस के नीचे रह जाता है, तो उस केस में कोई भी जीरोज नहीं होता। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एट द मोस्ट टू जीरोज होंगे, दो हो सकते हैं, एक हो सकता है और एक भी नहीं हो सकता है। आइए ग्राफ का केसेस देखें। एक कंडीशन ये होती है, ग्राफ ऐसे आया और ऐसे चला गया, आप देख सकते हैं ग्राफ ने दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, एक ये और एक ये पॉइंट पे, क्लियर। अब ये जो दो पॉइंट है ए ए डैश, ये दो पॉइंट जो है इन पे जो एक्स की वैल्यूज है वो इस पॉलिनोमियल का जीरोज है, ठीक है। या ये कंडीशन हो सकती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ आए, एक्स एक्सिस को टच करे और निकल जाए, उस केस में क्या होगा, ये जो दोनों पॉइंट है ए और ए डैश, ए और ए डैश को इंसिडेंट हो जाएंगे, यही पॉइंट ए भी है, यही पॉइंट ए डैश भी है। इस केस में सिर्फ और सिर्फ एक जीरोज होगा, या कहा जाए टू सेम जीरोज, दो जीरोज है लेकिन उनकी वैल्यू सेम है। और तीसरा केस ये है, ग्राफ ऐसे निकल जाए। अब यहां पे देख सकते हैं ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं किया, एक्स एक्सिस को कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं किया है, जब नहीं किया है तो कोई भी जीरोज नहीं होंगे। तो क्या कोई जीरोज होते ही नहीं है, ऐसा नहीं है, रियल जीरोज नहीं होते, जीरोज तो होते हैं इसके भी लेकिन वो रियल नहीं होते, वो इमेजिनरीज होते हैं, टू इमेजिनरी जीरोज, यहाँ पे रियल जीरोज नहीं आएंगे। और जबकि हम जीरोज की बात कर रहे हैं तो वो रियल की है। तो यहाँ पे मैंने अपवर्ड के केस में आपको तीनों तरीके के ग्राफ बताए, जहाँ पे दो जीरोज हैं, जहाँ पे दो सेम जीरोज हैं, जहाँ पे कोई भी जीरोज नहीं है, यानी दो रियल जीरोज, दो एक रियल जीरो जो कि इक्वल वैल्यू हो रही है दोनों की, और यहाँ पे कोई भी रियल जीरोज एग्जिस्ट नहीं हो रहा। इसी तरह का डाउनवर्ड पे भी केस होगा, अगर इस तरह से कट करके आएगा तो दो जीरोज, अगर ऐसे जाएगा टच करके नीचे आ जाएगा एक जीरोज, अगर ऐसे होकर के ऐसे निकल जाएगा तो कोई भी जीरोज नहीं होगा। फिलहाल अभी मैं इस पार्ट में यहीं तक बता रहा हूँ आपको, फिर नेक्स्ट पार्ट में आगे कंटिन्यू करूँगा। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।